वही किसानों के मुद्दे को लेकर भोरमदेव शक्कर कारखाना प्रबंधन और शासन के खिलाफ युवा कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। विरोध प्रदर्शन में किसानों की गन्ने बिक्री की मूल राशि और रिकवरी राशि और शेयरधारी किसानों को इस बढ़ती महंगाई के बावजूद उनके हक का शक्कर बोरी प्रदान न किए जाने के विरोध में किया गया है, जिसमें युवा कांग्रेस द्वारा प्रबंधन को लिफाफा डालकर और बाजार का महंगा शक्कर का पैकेट विरोध स्वरूप भेंट किया है। वहीं बहुत से किसानों के बच्चों को राजनीति के तहत और अपने पसंद के लोगों को काम में लगाकर कई लोगों को बाहर निकाला है, जो गलत है। वहीं अन्य मुख्य विषयों पर जांच की मांग भी रखी है और युवाओं ने मांग पूरी न होने पर कारखाने का जल्द ही उग्र घेराव आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज युवा कांग्रेस कबीरधाम के द्वारा अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर भोरमदेव शक्कर कारखाना पहुंचे हुए हैं, अपना ज्ञापन दिए हैं। ये अंश मात्र एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन था और आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। और आंदोलन होने का कारण ये हो सकता है कि सीधा सीधा किसानों के साथ अन्याय हो रहा है इस कारखाने में, चाहे यहाँ की कारखाने की बात हो कि पंडरिया कारखाने की बात हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अनियमितता ही अनियमितता है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चल रहे हैं, नेताओं का राज चल रहा है, अपने पसंद के लोगों को यहाँ पर काम में रखा जा रहा है, किसानों का सुध लेने वाला कोई नहीं है। आप सीधा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसानों को जो शक्कर मिलता आया है वो शक्कर भी इनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, किसानों को जो रिकवरी की राशि मिलती है ये वो भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसको तो सब छोड़ दीजिए, 4 करोड़ से ऊपर लगभग जो मुझे जानकारी है, 4 करोड़ से ऊपर की लागत जो गन्ने की है, जिनको भुगतान होना है किसानों को, वो भी भुगतान नहीं हो रहा है। और दुर्भाग्य तो अब ये भी आ गया है कि जो शेयर धारक किसान है, जो यहाँ के मालिक है, उनका कोई पूछ परख नहीं है, ना उनकी कोई कमेटी है, ना कोई उनका संचालन गठन है। यहाँ पर अधिकारी राज चल रहा है और कुछ नेताओं के लोगों को यहाँ पर काम में लगाया जा रहा है, ठेका भी उन्हें दिया जा रहा है, चाहे अंदर की बात हो कि कारखाने के अंदर में जो कुशल श्रमिक है उनकी बात हो कि अकुशल श्रमिक उनकी बात हो कि छोटे छोटे जो ठेकेदार रहे हैं उनकी बात हो। मैं एमडी साहब के पास मिलना चाह रहा था, एमडी साहब यहाँ पर नहीं आ पाए, जीएम साहब यहाँ है, उन्हें हम सब लोग मिलकर ज्ञापन दिए हैं। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 7 दिवस के, आने वाले 7 दिवस के भीतर में उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ ना तो हमला किसान मल्ला पिछले मिलत रही से शक्कर नहीं मिले थे, आज हम सब किसान मिल के यहाँ के अधिकारी मतलब भी ये शक्कर दे हन 1 किलो और एकर से मतलब के हन और साथ साथ वाला 100 रुपया पैसा भी हमन भेंट करे हन कि आप रिकवरी के हमला जन मिलत रही सो रिकवरी हमला मिलना चाहिए, साथ ही बोनस मिलना चाहिए। और अभी तक के गन्ना के जेन हमन बेचे हन ओखर सही ढंग से भुगतान भी नहीं हुए कि जब ये फिर भोरमदेव शक्कर कारखाना शेयर धारक बन के जब कारखाना है तो किसान मन ला विश्वास में लेना चाहिए। ना तो आज तक कोई शेयर धारक मन की मीटिंग ले, ना तो कोई प्रकार के सम्मान किसान मन के यहाँ देखे गए है, तो एकर लिए हम विरोध करत हन। और आने वाला समय में किसान मन के शक्कर देना मिलना चाहिए, रिकवरी मिलना चाहिए। आज किसान मन ये प्रतीक्षा करत है कि आए दिन किसान ला जिन रिकवरी के पैसा बढ़िया मिला एकदम खुशहाल रही है, साथ ही साथ बोनस के पैसा मिला है, सही समय में गन्ना के भुगतान हो, ये सारी चीज के समस्या देखते हुए आज हम विरोध करे पड़े थे। आने वाला समय में अगर ये सब सुधार नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किसान के द्वारा करे जाएगी।